सब नू प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। अठवीं जमात के बहुत ही प्यारे बच्चों, अज असी पढ़ांगे पाठ पंच कविता उद्यम करी जरूर, जो कि बलदेव धालीवाल जी की लिखी हुई है। बच्चे ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सिक्ख्यादायक है। वैसे तो जो भी तुहाडे पाठक्रम दे विच कहानी निबंध या कविता है, सारे ही इस लई पाए जाते हैं ताकि तुहानू सिक्ख्या मिल सके, तुसी उस तो गुण ग्रहण कर सको, तुसी उस नू अपनी जिंदगी दे विच अपना सको। पर ये कविता बहुत ही वधिया है, बहुत ही प्यारी है। इस दी सोखी शब्दावली हर सतर तो ही सानू प्रेरणा, सीधे रूप विच प्रेरणा मिलती है। इस कविता दे राही कवि ने सुनेहा दिता है कि सुस्त ते आलसी व्यक्ति कदे भी तरक्की नहीं कर सकता, मेहनत उद्यम ते यतन करन वाला ही उच्चियां मंजिलां नू छू सकता है। उद्यम ही सफलता वल जान दा पहला कदम है। इस कविता दे राही साडे विच सकारात्मक सोच, प्रगतिशील सोच या अगां वधू सोच रखन दी प्रेरणा दित्ती है। ते बलदेव सिंह धालीवाल जी इस कविता दे राही विद्यार्थियों दे विच दृढ़ता, सच्चाई, जज्बा ते जित्तन दी भावना पैदा करन दी कोशिश कर रहे हन। मैनू उम्मीद है कि तुहानू इस सब नू कविता पसंद आएगी। मेरी ये मनपसंद कविता है। जेकर तुसी इस नू ध्यान नाल सुनोगे तां मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहाडी भी ये मनपसंद कविता ही बन जाए। ये कविता बेटा पहला मैं तुहानू गा के सुनावांगी ते तुसी उस तो बाद असी इस दी व्याख्या करांगे। जी कुछ लोचे मन विच सजना उद्यम करी जरूर, बिन उद्यम हथ सखणे रहसन उद्यम थी भरपूर। जे चाही पुजना मंजला ते वगी जीवे दरिया, तोर निरंतर ना जिंदगी दा मौत कदम रुकिया। जे कितरे हारा लक तोड़न मन हो जाए निराश, जिंदगी जानी कोल लमेरा जित विच रख विश्वास। जे कितरे मन दे अंबर ते छाए कोर उदासी, मन दा मालक बनन न देवी ए ता तेरी दासी। तेरे मन विच रोशन सूरज चंद्रमा ते तारे, कदमा दे विच मंजिल तेरी समझ जावे जे प्यारे। तेरे खिड़न तो जग ने खिड़ना मुरझाया मुरझावे, वंड सुगंधिया प्रीत सुनेहे निग्गे प्यार कलावे। सिदक लगन ते तकड़े खंभी उड़ना विच असमानी, थल सागर भी रोक सके ना तेरी सहज रवानी। जे कुछ लोचे मन विच सजना उद्यम करी जरूर, बिन उद्यम हथ सखणे रहसन उद्यम थी भरपूर। बिन उद्यम हथ सखणे रहसन उद्यम थी भरपूर। हुण बेटा असी इस कविता दे सरलार्थ करांगे। जे कुछ लोचे मन विच सजना उद्यम करी जरूर, बिन उद्यम हथ सखने रहसन उद्यम थी भरपूर। इन्हां काव्य सत्रां विच कवि कहिंदा है, हे मनुख सज्जन, सज्जन असीं किस नूं कहिंदे हां बेटा? दोस्त नूं कहिंदे हां, जिस नूं असीं प्यार नाल समझाउणा चाहुंदे हां। हे दोस्त, हे सज्जन, जे कुछ लोचे, लोचे तो भाव तेरी कोई इच्छा है, जे तू कुछ चाहुंदा है मन विच सजना, जे तू कुछ करन बारे सोचा है, तेरी कोई इच्छा है। जिस तरह बच्चों साढ़े सारयां दी ही कोई ना कोई इच्छा हुंदी है,
जिस तरह तुहाडी भी कोई इच्छा होएगी, कोई अध्यापक बनना चाहुंदा है, कोई डॉक्टर बनना चाहुंदा है, कोई पायलट बनना चाहुंदा है ना, इसे तरह ही बेटा साडे सारिया दी ही कोई ना कोई इच्छा है। कवि प्यार नाल कह रहा है, हे सज्जन हे दोस्त, जेकर तेरे मन दे विच कोई इच्छा है ता उद्यम करी जरूर। उद्यम तो भाव है बेटा यतन कोशिश, ता उस इच्छा नु पूरा करन लई तू यतन जरूर करना है, तू कोशिश जरूर करनी है। बिन उद्दम हथ सखणे रहसन, बिन उद्दम बिना उद्दम दे भाव बिना कोशिश दे बिना यतन दे तेरे हथ सखणे रहसन। सखणे तो भाव है बेटा खाली, रहसन तो भाव है रहणगे, तेरे हथ खाली रहणगे भाव सफलता तेनू नहीं मिलनी, तेरे हथ पल्ले कुछ भी नहीं लगना, बिना यतन ते बिना कोशिश दे तेनू कुछ भी मिलन वाला नहीं है। ते उद्दम थी भरपूर, ते उद्दम करन दे नाल, यतन करन दे नाल, कोशिश करन दे नाल तेनू भरपूर मतलब तेरे हथ भर जाणगे, भाव सफलता तेरे कदम चूमेगी, तू अपनी मंजिल ते पहुंच सकता है। इस तो भाव है बच्चों कि सफलता प्राप्त करने लई उद्यम ते कोशिश करना बहुत जरूरी है, जिस तो बिना असी सफल नहीं हो सकते। हुन असी अगलियां काव सत्रा पढ़ांगे। जे चाहे पुजना मंजिल ते वगी जिवे दरिया, तोर निरंतर ना जिंदगी दा मौत कदम रुकिया। इन्हां काव सत्रां विच कवि कहिंदा है, जे चाही पुजना मंजल ते, जेकर तू अपनी मंजल ते पुजना चाहुंदा है, मंजल तो भाव बच्चे तुसी अपना कोई टीचा बनाया होया है, तुसी कोई निशाना मिथ्या होया है, तुसी ये काम करना है, जेकर तू उसनू पूरा करना चाहुंदा है, उसनू प्राप्त करना चाहुंदा है, वगी जिवें दरिया, ता तेनू दरिया दे पानिया दी तरह वगना पएगा। बच्चों दरिया दा पानी असी देखते हाँ कि सारिया रुकावटां चीरदा होया हमेशा अगे वालू ही वधदा है। उसे तरह तेरी मंजिल प्राप्ति दे विच जिन्हिया भी रुकावटां आनिया ने उन्हां रुकावटां नू पार करते हुए तू हमेशा अगे ही वधे रहना है। तोर निरंतर ना जिंदगी दा, तोर तो भाव है बेटा तुरना, निरंतर तो भाव है लगातार, लगातार तुरना ही जिंदगी दा नाम है, भाव ए विकास दी निशानी है। मौत कदम रुकिया, जे तू रुक गया भाव तेरी मौत हो गई, भाव तेरी जिंदगी दा विकास रुक गया। जेकर तू अपनी मंजिल प्राप्ति दे विच आउंदियां रुकावटां नूं पार ना कर सकिया तो इस दा भाव है तेरी जिंदगी दे विच खड़ोत आ गई, तेरा विकास रुक गया, ते तू रुकना नहीं हमेशा चलदे रहना है। जिस तरह बच्चे खड़ा पानी मुस जांदा है ते वगदे पानी सानू किन्ने साफ पवित्र ते सुगंधियां बनदे लगदे हन, तां इसे तरह ही जिंदगी चलदी ही चंगी लगती है ते चलदी जिंदगी ही विकास की निशानी है। जे किधरे हारा लक तोड़न मन हो जाए निराश, जिंदगी जानी कोल लमेरा जित विच रख विश्वास। इन्हां काव सत्रां विच कवि कहिंदा है कि जेकर तैनू कितें हारा भी मिल जाए, क्योंकि बेटा सफलता दे पिछे हर मनुख की सफलता के पिछे असफलतावां हुंदियां ने, सिद्धा किसी मनुख नूं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हार हार के ही असी एक दिन जित प्राप्त करते हाँ। जेकर तैनू हार प्राप्त हुंदी है, यतन करन तो बाद भी तू सफल नहीं हुंदा, तां तू निराश नहीं होना। मन हो जाए निराश ते तेरा मन उदास हो जांदा है, उस समय तू ये समझ लेना है कि जिंदगी जानी कोल लमेरा,
कोल तो पाव है बेटे जंग संघर्ष कि जिंदगी एक बहुत लंबी जंग है, एक बहुत लंबा संघर्ष है। इस विच होर भी मुश्किलां आउणियां ने जिस दा असी सामना करना है। ते घबराउणा नहीं, निराश नहीं होना, यह समझना है कि असी इन्हां मुश्किलां दा सामना करते हुए अगे वधना है। जित विच रख विश्वास, अगे किवें वधना है, अपनी जित विच विश्वास रख के, अपने आप ते विश्वास रख के, उन्हां औकड़ां नूं पार करके असी अगे वधांगे तां सफलता साडे कदम चुम्मेगी। इत्थे मैं उदाहरण देनी चाहुंदी हाँ बेटा प्रसिद्ध विज्ञानी एडिसन दी। असी विज्ञान विच पढ़िया है कि एडिसन जिहड़ा विज्ञानी है उन्होंने बल्ब की खोज की, तो बल्ब की खोज बच्चे उन्होंने एक दिन विच ही नहीं कर दी। एडिसन ने हजार बार प्रयोग किया तो वह बल्ब बनाने विच सफल नहीं हो, पर अखीर वह जदों बल्ब बनाने विच सफल हो गए, उन्होंने बल्ब की खोज की, तो उस पिछे उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत, सबर, हौसला, निरंतर मेहनत सी। उन्होंने निराशा नहीं छट की, वह आशावादी रहे, तो लगातार मेहनत करते रहे, तो एक दिन उन्होंने सफलता मिली, जिस करके असी उन्होंने अज भी याद करते हाँ। तो इस तरह ही जेकर साड़ी जिंदगी दे विच सानू कदे असफलता मिलती है तो असी निराश नहीं होना, बल्कि औकड़ा का सामना करते हुए, औकड़ा नू पार करते हुए असी निरंतर अगे वधदे रहना है। जे किधरे मन दे अंबर ते छाए घोर उदासी, मन दा मालक बनन न देवी, ए तां तेरी दासी। इन्हां काव सत्रां विच कवि कहिंदा है कि हे मनुख, जेकर कदे तेरे मन ते उदासी छा जाए, तैनू लगे कि मैं असफल हो गया हाँ, मैं असफल हो गया हाँ, हुण ये काम मेरे तो नहीं होना, मैं हुण ये नहीं कर सकता, छाए कोर उदासी, बहुत ही तू उदास हो जाए कि हुण ये नहीं होना, पर उस उदासी नूं तू अपने मन ते हावी नहीं होन देना, क्योंकि जेकर तू उस नूं हावी होन दिता तां ओह तेरा कोई काम नहीं सिरे चढ़ाएगी, तैनूं सफलता दे नेड़े कदे भी नहीं लैके जाएगी। उस उदासी, ओह उदासी दासी तां तेरी दासी है। असी पढ़िया है मन दा मालक बनन न देवी, ये तां तेरी दासी, वह तेरी दासी है बच्चे, वह साड़ी गुलाम है, वह साड़े आदेश मनन दे लई तैयार है, पर जेकर असी उदासी नूं अपने मन ते हावी होन दे दिता तां वह साड़ा कोई कम नहीं होन देगी, सानू निराश कर देगी। ते सानू पता है निराशावादी इंसान सौखे सौखे काम विच भी बड़िया वड्डिया वड्डिया औकड़ा बना लैंदा है, ते आशावादी इंसान वड्डिया वड्डिया औकड़ा, वड्डिया वड्डिया मुसीबतां पार करके भी सफलता दा एक मौका लभ ही लैंदा है। इस लई असी हमेशा खुश रहना है, ते उस उदासी नूं अपने मन ते हावी नहीं होन देना, ते हमेशा ही अगे वधदे रहना है। तेरे मन विच रोशन सूरज, चंद्रमा ते तारे, कदमा दे विच मंजला तेरी, समझ लवे जे प्यारे। इन्ना काव सत्रां राही कवि समझाउंदा है कि तेरे मन अंदर ज्ञान रूपी सूरज चंद्रमा तारे हन, तेरा अंदर सूझ बूझ दे नाल भरिया होया है। इंसान दे अंदर बहुत ज़्यादा समझ है, इसे समझ करके ही मनुख पहाड़ां नूं सर कर जाता है, चोटियां कट जाता है, देखो आसमाना विच उड़िया फिरता है। बच्चे जेड़े जहाज आसमाना विच उड़े फिरते हैं कि उन्हां नूं उड़ाउण वाला कौन है, उन्हां नूं उड़ाउण वाली मनुख दी समझ है, मनुख दी सूझबूझ है, तो उस सूझबूझ नाल ही उन्हां ओह ये काम कर रहे हैं। बच्चो जिन्ने भी IAS ऑफिसर हैं, जिन्ने भी पुलिस वाले हैं, या जिन्ने भी पायलट हैं, वो किवें बने हैं बेटा, वो साढ़े वर्गे ही हैं, साढ़े ही परिवारों विचों हैं, पर उन्होंने इस शक्ति नूं जान लिया,
हौसला करके हिम्मत करके अज वह अपनिया मंजिलों ते पहुंच गए हैं। कदमा दे विच मंजिला तेरे समझ लवे जे प्यारे, जेकर तू इस सूझबूझ नू समझ लिया, अपनी शक्ति नू पहचान लिया, तो सफलता तेरे कदम चूमेगी, मंजिला तेरे कोल आ जाएगी। तेरे खिड़न तो जगने खिड़ना मुरझाया मुरझावे, वंड सुगंधिया प्रीत सुनेहे निगे प्यार कलावे। इन्हां काव्य सत्रां विच कवि कहिंदा है तेरे खिड़न तो, खिड़न तो भाव है तेरे हसन तो, तेरे खुश रहन तो ही जग ने खुश होना है, संसार ने खुश होना है। भाव जेकर तू खुश है तो तैनू सारे ही खुश नज़र आउणगे। मुरझाया मुरझावे, जेकर तू उदास है तो तैनू चारे पासे उदासी नज़र आएगी। क्योंकि बेटा खुशी कितों आती है, खुशी साढ़े अंदरों आती है। इत्थे गल कीती है आशावादी ते निराशावादी मनुख की। आशावादी मनुख हमेशा चढ़दी कला विच रहिंदा है, वह हमेशा उपर वल सोचता है, ते निराशावादी आदमी हमेशा ढहिंदी कला वल रहिंदा है ते निराश रहिंदा है। बच्चो खुश होण नाल कोई खर्चा नहीं हुंदा, पर खुश रहन दे नाल साढ़े अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुंदी है, जिस दे नाल साडा उत्साह वधदा है ते चंगेरा सोचण दी शक्ति पैदा हुंदी है। वंड सुगंधियां प्रीत सुनेहे, तां उह कहिंदा है हे मनुख तू अपने अंदर खुशी पैदा कर ते उह खुशी सब विच वंड, सुगंधियां खुशबूआं सब नाल सांझियां कर, निगे प्यार कलावे ते हर एक दे नाल निकता दे नाल ते प्यार दे नाल पेश आ। जिस तरह बच्चो मैं इत्थे उदाहरण देना चाहनी हाँ गुलाब दे फुल दी, जिहड़ा कि प्यार दी निशानी है ते बिना किसी भेदभाव सब नू खुशबूआं वंडदा है, सब नू सुगंधियां दिंदा है। तां कवि कह रहा है हे मनुख तू भी अपने जीवन नू इस तरह बना, इस तरह दे गुण अपने आप विच पैदा कर, अपने उच्चे ते सुच्चे विचार अपने अंदर पैदा कर, ताकि हर बंदा तेरे नाल नेड़ता रखना चाहे, ताकि हर बंदा तेरे विचार दे नाल सहमत हो जाए। ते बच्चों ये तां ही हो सकता है जेकर असी आशावादी रहांगे ते निरंतर मेहनत करदे रहांगे। सिदक लगन दे तकड़े खंभी उड़ना विच असमानी, थल सागर भी रोक सकना तेरी सहज रवानी। इन्हां काव्य सत्रां दे विच कवि कहिंदा है सिदक लगन, सिदक तो भाव है सबर विश्वास भरोसा, लगन शौक रुचि दे तकड़े खंभी, खंभ लाउण दी बेटा की भाव है, खंभ लाउण तो भाव जिस तरह आसमान विच पंछी अपने खंभा राही खंभा दे नाल उड़दे हन, ते जेकर तू आसमान विच उड़ना चाहुंदा है, भाव तू उच्चियां मंजिलां पाउणा चाहुंदा है, तू अपने टीचे ते निशाने ते पहुंचना चाहुंदा है, तां तैनू उड़न दे लई उत्थे पहुंचन दे लई सिदक ते लगन दे खंभ लाउणे पैणगे, भाव अपने आप ते अटुट विश्वास रखना पएगा, शौक पैदा करना पएगा, रुचि पैदा करनी पएगी, तां ही तू अपनियां मंजिलां नू पा सकदा है। थल सागर भी रोक सकना तेरी सहज रवानी, जेकर तू अपने आप ते अटुट विश्वास करके अपनियां मंजिलां वल अगे वध रहा है, तां तैनू थल, थल तो भाव जमीन, सागर तो भाव है समुंदर, तैनू जमीन समुंदर कोई भी नहीं रोक सकता, भाव दुनिया की कोई ताकत तैनू अगे वधन तो नहीं रोक सकती, जेकर तू लगातार मेहनत कर रहा है, जेकर तैनू अपने आप ते अटुट विश्वास है। जे कुछ लोचे मन विच सजना उद्दम करी जरूर, बिन उद्दम हथ सखने रहसन,
उद्दम थी परपूर। कवि इन्हां काव सत्रां नूं फिर दोबारा दोहराउंदा है कि हे मनुख, हे सज्जन, हे दोस्त, जेकर तेरे मन दे विच कुछ करन दी इच्छा है तां तूं उद्दम जरूर करी, हिम्मत जरूर करी, क्योंकि बिना हिम्मत दे, बिना यतन दे तैनू कुछ भी प्राप्त नहीं होना, तू अपनी मंजिलों नू नहीं पा सकता। बच्चों, इस कविता तो सानू की सिक्ख्या मिलती है? इस कविता दे विच सानू ए सिक्ख्या मिलती है कि लगातार निरंतर गतिशील रहना, लगातार मेहनत करते रहना, अपने आप ते अटूट विश्वास रखना, हिम्मत हौसला ते सबर बनाए रखना ते अपने टीचे वल हमेशा अगे वधदे रहना चाहिदा है। एक कदम बच्चों कौन चक्केगा? एक कदम सानू आप ही चकना पएगा। ये साड़ी सकारात्मक सोच दे नाल असी एक कदम आप ही चकांगे, अपना विश्वास असी आप ही बनावांगे ते जिंदगी दे विच सानू अगे वधन तो कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों, जे मैं उदाहरण दें कीड़ी दी, ता देखो कीड़ी जड़ी है वो लगन, सिदक, एकता ते मेहनत दी प्रतीक है। कदे देखिया तुसी कीड़ी बैठी होवे, वो निरंतर ही चलती रहती है, हमेशा ही चलती रहती है। ते सानू उस तो भी सिक्ख्या लैनी चाहीदी है कि असी हमेशा लगातार ही अपनी जिंदगी दे विच अपने आप ते विश्वास करके मेहनत करते रहिए ते अगे वधिए। हुण बच्चों असी करांगे इस पाठ विच दित्ते अभ्यासी प्रश्न। हेठ लिखियां सत्रां दा भाव स्पष्ट करो। जे किधरे हारां लक तोड़न मन हो जाए निराश, जिंदगी जानी कोल लमेरा जित विच रख विश्वास। पावर्थ, मनुख नूं हारां तो निराश नहीं होना चाहिदा, जिंदगी नूं इक लंबा कोल मनदिया होया जित विच विश्वास रखना चाहिदा है। सिदक लगन दे तकड़े खंभी उड़ना विच असमानी, थल सागर भी रोक सकना तेरी सहज रवानी। पावर्थ, मनुख नूं चाहिदा है कि विश्वास ते लगन नाल अपने उच्चे निशाने वाल एनी निरंतर चाल नाल वधे कि कोई भी रुकावट उस नूं रोक ना सके। उद्दम करन नाल सानू की कुछ प्राप्त हुंदा है? उद्दम करन नाल मनुख नू अपनी मंजिल दी प्राप्ति हुंदी है, मनुख विच आत्म विश्वास पैदा हुंदा है, चारे पासे खुशियां खेड़े वंडदा देश दी खुशहाली विच अहम योगदान पाउंदा है ते ज्ञान दा सोमा बन के राह दसेरा बनदा है। औखे शब्दां दे अर्थ, लोचे, लोचे तो भाव है इच्छाहे या इच्छा करे, रहसन, रहनगे, भरपूर, परे होए, कोल, पहलवाना दी कुश्ती, टाकरा, जंग या लड़ाई भी कह सकते हाँ, दासी, सेवा करन वाली, सिदक, विश्वास, भरोसा, सहज रवानी, सुभावक चाल। वाकां विच वरतो, मंजल, सानू अपनी मंजल प्राप्त करन लई उद्दम करना चाहिदा है। उद्दम करन नाल मंजल दी प्राप्ति हुंदी है। निरंतर चलदे रहना ही जिंदगी दा नाम है। सुगंधियां, गुलाब ते फुल्लां दियां सुगंधियां साडा मन मोह लैंदियां हन। सिदक अते लगन नाल ही असी उच्चियां मंजिलां नूं छो सकदे हां। सखने हथ, जिहड़े लोक मेहनत नहीं करदे हन उन्हां दे हथ सखने ही रह जांदे हन। लक तोड़ना, उस दी जवान पुत्र दी मौत ने उस दा लक तोड़ के
रख दिता। बच्चों ये मैं कोशिश की है पाठ पुस्तक के विचों ही वाक बनाउन दी, तुसी अपनी समझ के अनुसार भी वाक बना सकते हो। जो इस कविता तो सानू ये सिक्ख्या मिलती है कि जेड़े लोग मेहनत करते हैं, उद्यम करते हैं, यतन करते हैं, वो सहजे ही अपनिया मंजिलों नू पा लेंदे हैं। ते जेड़े लोग मेहनत नहीं करते या आलसी ते सुस्त होंदे हैं, उन्हां दी जिंदगी औकड़ा भरी हो जाती है। आओ बच्चों, असी अज प्रण करिए कि असी हमेशा उद्यम करते रहना है। असी कदे भी असफलता तो घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। कितें असफलता भी मिलती है, असी निराश नहीं होना ते लगातार अपने अटूट विश्वास दे नाल मेहनत करते रहना है। सो आओ बच्चों, अपनी जिंदगी नू सोहना बनाइए, उद्यम करिए, यतन करिए, कोशिश करिए ते अपनी मंजिल तक पहुंचिए। आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद।